आपको घर को तोड़ने का राइट किसने दिया है? आप इसलिए तोड़ देंगे कि वो यादव का है, पासी का है, सोनकर का है, चमार का है और अपराधी के नाम पे आप तोड़ देंगे। तो ये पूरी पूरी की पूरी गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है, प्रोजेक्टेड मामला है पूरी तरीके से। इधर धर्मांतरण के नाम पर भी ईसाइयों पर बहुत सारे फर्जी मुकदमे कायम और लगातार इन पर भी हमले हो रहे हैं, तो इस मुद्दे पर आप लोगों का रिहाई मंच ने क्या किया है? देखिए, जो धर्मांतरण का जो कानून है ये कानून ही गलत है, क्योंकि संविधान जो हमें बात कहता है धर्म के प्रचार प्रसार, उसके मानने और न मानने की जो हमारी जो हमारा हमको अधिकार मिला है, धर्मांतरण का कानून उसका निषेध करता है। दूसरा कि जो ये कानून बनने के बाद, मैं खास तौर पे कहूँगा इस कानून में, ईसाइयों पे मैं बात कहूँगा, ये कानून बनता है, लोग कहते हैं मुसलमानों के लिए बना है, मुसलमान विक्टिमाइज हो रहा है, लेकिन ये कानून बना है दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए। आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर में जब सबीरपुर वाली घटना हुई, उसके बाद लोगों ने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे। उसके बाद जब हाथरस में हमारी बहन का बलात्कार हुआ, तब उसमें क्या कहा गया? कहा यही कहा गया कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। वो कौन लोग थे? और दूसरा कि इस देश में जो कहीं पर भी आप देखिए जो मुसलमानों के ऊपर आरोप है, मौलाना उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, कहा फॉरेन फंडिंग है, बड़े पैमाने पर पैसा आया है, कहीं पर भी क्या मुसलमान कहीं बैनर लगा के करता है कि हम जो है धर्मांतरण कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म को लेकर जो है हमारे क्या लगातार ये अभियान रहता है, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी लिया था और लगातार इसको लेकर अभियान चलाया जाता है ये, और इसी अभियान को रोकने के लिए ऐसा किया गया। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इस कानून में जो गैर दलित है अगर वो धर्मांतरण करता है तो उसको 5 साल की सजा है और 15,000 रुपये जुर्माना है, और दलित करता है तो उसको 10 साल की सजा है, 25,000 रुपये जुर्माना है। तो कानून किसके लिए है? ये कानून दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए है, जो उनका जो हिंदूकरण किया जा रहा है उस हिंदूकरण के अभियान को तेज करने के लिए। मैं ईसाइयों पर आता हूँ, अभी पिछले दिनों हमारे आजमगढ़ में इसी दीदारगंज थाना क्षेत्र में वहाँ पर कुछ लोगों को वहाँ से उठाया गया और उनको कहा गया कि यहाँ पर ईसाई मशीनरियों के धर्म प्रचार प्रसार की वजह से इनको उठा करके उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक इसी तरह से नोएडा में गाजियाबाद के पास में जो है वहाँ पर जो लोग कोरोना के समय में मोदी जी ने लोगों को नहीं खिलाया है, इस देश की आम जनता जो इंसाफ पसंद जिनके पास दिल और दिमाग था जो उन लोगों ने खिलाया, और कुछ लोग वहाँ पर कुछ लोग ईसाई मिशनरी के लोगों ने कुछ लोगों को वहाँ पर खाने पीने की स्थिति में कुछ सहयोग किया था, बाद में उसको कहा गया कि लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। सच्चाई तो ये आप ईसाई मिशनरी अगर आप देख लीजिए कि पूरे देश में ईसाई मिशनरियों के जितने बेहतरीन स्कूल हैं और उसमें तमाम लोग पढ़ते हैं, अगर धर्मांतरण ईसाई मिशनरियाँ करती तो जितने स्कूल पढ़ रहे हैं सबके सब धर्मांतरित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं हमको दिखता है। तो साफ तौर पे मामला है कि ये मामला फेक है, और जो ये जो कानून बनाया गया है ये कानून मुसलमानों को विक्टिमाइज करने के लिए बनाया गया। सिंपल सोचिए कि मौलाना उमर गौतम उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया, मौलाना कलीम सिद्दीकी उनको भी गिरफ्तार किया गया, लगातार ये मामला बनाया जा रहा है कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन आप डाटा उठा के देख लीजिए, चीज़ों को देख लीजिए, ये कितने लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, कुछ नहीं है उसमें आप मिलेगा आपको जो है, लेकिन ये संघ का एजेंडा था और ये एजेंडा इस समय तेजी से चल रहा है, क्योंकि चंपत राय जो उनके नेता हैं, जब ये बाबरी मस्जिद का जो फैसला आने के बाद जो है, जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम धर्मांतरण के मुद्दे को फिर से उठाएंगे। और धर्मांतरण का मुद्दा आप याद करिए कि जो ये मंदिर मुद्दा है उसके पहले धर्मांतरण का ही मुद्दा अहम था, और फिर से लोग धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के सोसाइटी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब आपका जो ये मंच रिहाई में जब फैक्ट फाइंडिंग करने जाता है तो किन बातों को ध्यान रखता है? देखिए, हम फैक्ट फाइंडिंग करने जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम जो फैक्ट हम ले रहे हैं उसके जो है कानूनी पहलुओं को भी हम समझें, उसके राजनीतिक पहलुओं को भी समझें, उसके सामाजिक पहलुओं को भी समझें, क्योंकि हमारा मामला है कि हम पॉलिटिकल लीडर लीगल एडवोकेसी ग्रुप हैं। दूसरा कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो समाज में जो जो उसके गाँव के लोग हैं या जो जो समाज जो पीड़ित परिवार है उसके बीच में अगर संवाद टूट रहा है तो सिर्फ वो संवाद को भी होना चाहिए,
क्यों? क्योंकि मुझे ये देखा, हमने देखा है कि जब हमने इस दर्द को महसूस किया है कि जब आजमगढ़ के नाम पर जब आतंकवाद को कहा गया कि आजमगढ़ आतंकवाद का पंजन स्थल है, तो लोग, हम बताते थे किसी को कि हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तो लोग ऐसे भागते थे जैसे कि हम ही आतंकवादी हैं। तो ठीक इसी तरह से किसी को अगर कहा जा रहा है, क्योंकि मीडिया बोलती है ना कि फला आदमी वांटेड था, फला आदमी क्रिमिनल था, फला आदमी आतंकवादी था, तो एक जहनीयत का निर्माण होता है। तो हमारा मामला सिर्फ ये नहीं कि फैक्ट फाइंडिंग करके हम फैक्ट को इकट्ठा करके उसको रिपोर्ट पब्लिश कर दें, हमारा मामला है कि हम एक समाज का भी निर्माण करें। इसीलिए हमारी रिपोर्टों में आप देखेंगे तो हम सामाजिक राजनीतिक पहलुओं पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं, और ये पहलू कहीं ना कहीं हम PUCL और PUDR जो जैसे संगठन, जो मानवाधिकार संगठन थे, उनसे हमने सीखा, क्योंकि जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग नहीं किया बल्कि उन्होंने जो समाज और देश की काल परिस्थितियां थी उनकी रिपोर्टों में वो भी साफ दिखता है। और हमको लगता है साफ तौर पर कि जो भारत में मानवाधिकार आंदोलन है, वो मानवाधिकार आंदोलन जब तक इसमें मास के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, तब तक आप उसके राय, उसके अधिकार को आप नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो कोटे हैं वो भी मीडिया ट्रायल के दबाव में रहती हैं। और मीडिया किसका ट्रायल, मीडिया किसके पक्ष में रहता है, खासतौर पे आतंकवाद के नाम पर, इनकाउंटर के नाम पर, तमाम सवालों के नाम पर वो स्टेट का वर्जन ज़्यादा सुनता है। तो ऐसे में अगर वो आंदोलन नहीं होगा तो हम निचले स्तर पर उसको हम जो है उसका इंसाफ भी नहीं पा पाएंगे। आपने दो चर्चित डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एक तो बनाई है सेफ्रॉन वॉर ए वॉर अगेंस्ट नेशन और पार्टीशन रिविजिटेड, इसमें किन बातों को रेखांकित किया गया है? देखिए, सेफ्रॉन वॉर और पार्टीशन रिविजिटेड दोनों डॉक्यूमेंट्री फिल्में अलग अलग स्थितियों में परिस्थितियों में बनी है। सेफ्रॉन वॉर खास तौर पर हम जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर वो दिखनी है डॉक्यूमेंट्री, लेकिन वो पूरी गोरखनाथ मठ पे है कि जिस तरह से गोरख जी का जो पूरा वो नाथ संप्रदाय रहा, वो जिस तरह से श्रमिक जातियों का एक आंदोलन था जो है, और किस तरह से उस पीठ पर जो है वहाँ पर सवर्ण सामंती ताकतें वहाँ पर कब्जा की, खासतौर पर उसमें दिग्विजय नाथ ने वहाँ पर पहुँचे, और दिग्विजय नाथ के बाद किस तरह से उस पीठ का जो पूरा स्वरूप है उसमें, जहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, वो स्वरूप कम्युनलाइज होता गया, और अवैधनाथ के आते आते जो है वो बड़े वो फर्क में वो क्या कहते हैं बड़े अखाई खींच गई जो है, और ख़ास तौर पे योगी आदित्यनाथ के आने के बाद वो खाई लगातार बढ़ती गई, और हिंदू युवा वाहिनी के बनने के बाद लगातार बढ़ती गई। तो वो जो डॉक्यूमेंट्री है, हम हिंद जो हिंदुआइजेशन की जो प्रक्रिया है, दलितों और ओबीसी की जो हिंदुआइजेशन की प्रक्रिया है, उसको हम रेखांकित करते हैं उसमें, कि जो संस्कृतिकरण है, वो संस्कृताइजेशन की जो प्रक्रिया है, वो कैसे पूरे समाज को फांसीवादी बना देती है। क्योंकि अगर हम किसी भी समाज को सब खिलाएं पिलाएं, उसको अच्छे से कर दें, लेकिन उसकी संस्कृताइजेशन, उसका हिंदुआइजेशन हो जाए, और हम वो सोचे कि वो हमारे साथ में रहेगा, तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका विचार की प्रक्रिया चेंज हो गई है। तो उसी तरह, ठीक है, उसी तरह से ये विचार की प्रक्रिया किस तरह से ये गोरखनाथ मठ के से योगी आदित्यनाथ ने इसको चेंज करने के प्रोसेस में लाया, और किस तरह से वो सिर्फ कम्युनल आउटफिट नहीं बल्कि टेरर आउटफिट के रूप में तब्दील हुआ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हेमंत करकरे के खुलासों के मुताबिक गंगा के मैदानी भाग में ये लोग सशस्त्र विद्रोह करने की ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, और उसकी निर्वासित सरकार नेपाल से लेकर इजराइल तक का उनका प्लान था। ये जो हेमंत करकरे का जिनकी भी हत्या कर दी गई है, उनकी बातें थी जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी जो है। तो हमने उस पूरी फिल्म में इस बात को लाया कि हिंदुआइजेशन संस्कृताइजेशन की प्रक्रिया के तहत किस तरह से दलितों और पिछड़ों को जो है न सिर्फ उनका कम्युनलाइज किया जा रहा है बल्कि उनको एक टेरर आउटफिट में जो है किस तरह से इस्तेमाल किया करने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक गुरुकुल है आजमगढ़ में, उसमें हमने दिखाया है कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों का सैनिकरण किया जा रहा है, वो भी दिखाया है। दूसरी फिल्म हमारी पार्टीशन रिविजिटेड है, और पार्टीशन रिविजिटेड जो फिल्म है वो खास तौर पर जो अभी CA आया, NRC NPR की भी डिबेट आई, हमने लगभग 2011 में रुद्रपुर में एक दंगा हुआ था, और हम रुद्रपुर की जो आबादी है वहाँ पर मुस्लिम आबादी के अलावा वहाँ पंजाबी, खत्री, और जो बंगाल से जो वहाँ से हिंदू तबका आया था वो आया था, और वहाँ पर जो 2002 अक्टूबर 2011 को एक छोटा सा सांप्रदायिक तनाव हुआ था,
उस तनाव में जो है जो पंजाबी खत्री थे उसको इस बात को लेकर आया कि मुसलमानों की वजह से आपको वहां से छोड़ के आना पड़ा, और बंगाली हिंदुओं को कहा गया कि आप वहां से छोड़ के आए और इस लिहाज से आप मुसलमानों पे हमलावर हुई और एक छोटे से कम्युनल राइट में बड़े पैमाने पे मुसलमानों का नुकसान हुआ। और उसी समय हम लोग इस बात को पकड़ रहे थे कि भारत में एक पार्टीशन की भावना फिर से आ रही है, इसीलिए इस फिल्म का नाम पार्टीशन रिविजिटेड रखा गया। हमने दोनों फिल्मों में जो बात रखी, जो हमने सोचा जिस तरह से, वो दोनों चीजें देखी। जिस तरह से हम सैफ्रन वार की बात कर रहे हैं कि सैफ्रन वार एक वार की बात ये योगी आदित्यनाथ लगातार करते हैं, तो वो वार आज आप दिख रहा है आपके आपके समाज में, दिख रहा है कि मॉब लिंचिंग में दिख रहा है, धर्मांतरण के नाम पर किसी को जेल में डालने में दिख रहा है, किसी को नागरिकता छीनने के रूप में दिख रहा है। तो मेरे दो हमारी दोनों फिल्मों में इन बातों का खास तौर पर जोर दिया गया है। आपकी किताब आई थी ऑपरेशन अक्षरधाम, अब कहीं हमको दिखती नहीं है, तो क्या पाठकों ने इसको बहुत पसंद नहीं किया या तवज्जो नहीं दी या प्रकाशक ने नहीं छापी? नहीं, जो ऑपरेशन अक्षरधाम जो किताब है उसको फरोश मीडिया ने उसको पब्लिश किया था। बेसिकली ये किताब हम 2014 से हम लोग पहले चाहते थे ये आए, क्योंकि हम चाहते थे कि जो उस समय मोदी का उभार था, तो हम लोग चाहते थे कि जो जिस तरह से अक्षरधाम पूरे मामले में नाइंसाफी की गई और वो लोगों के बीच में आना चाहिए था, तो वो किताब में थोड़ा सा आने में देरी हुई। दूसरा कि जिस तरह से जो पूरा माहौल बना जिस तरह से देश में जो अलग अलग तरह के माहौल बने, उसमें कहीं ये बात आई है, मैं साफ तौर पे कहूँगा, आपसे खुले रूप में कहूँगा, लोग कहते हैं कई बार हमारे ऊपर दबाव लोग बनाते हैं कि मुसलमान का सवाल मत उठाइए, मुसलमान का सवाल उठाने से कम्युनलाइज हो जाएगा, इससे जो है मोदी को लाभ हो जाएगा। और हम कहते हैं भाई मुसलमान का सवाल नहीं उठा रहे हैं हम, तो संविधान उसके संवैधानिक अधिकारों का सवाल उठा रहे हैं ना, उसके इंसाफ का सवाल उठा रहे हैं ना। और यही नहीं, लगातार आप देख सकते हैं लोग अब तो कहने लगे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कहने लगे हैं कि मुसलमानों को 12 बजे के बाद वोटिंग करने के जाना चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया पे जो है ये कहते हैं हिजाब लगी महिलाओं की फोटो और दाढ़ी टोपी की फोटो आ जाएगी तो वोटर जो कमलाइज हो जाएगा। अच्छा। मतलब कि प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम किसी दूसरे की मेंटेलिटी में है और हल दूसरे की मेंटेलिटी में देखा जा रहा है। मैं छोटी सी बात करते हुए इसको जोड़ता हूँ कि एक मेरा नाम जोकर फिल्म है, उसमें एक शुरुआत में है कि एक डॉक्टर जो है एक जोकर को दौड़ाते हैं, पकड़ते हैं और पकड़ करके पूछते हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन किया जाएगा। तो डॉक्टर से पूछता है जोकर कि क्यों मेरा ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर साहब? वो कहता है कि तुम्हारा दिल बड़ा है और दुनिया बहुत छोटी है। तो कहा प्रॉब्लम तो दुनिया में है तो दुनिया का ऑपरेशन करो। तो ठीक इसी तरह से मुसलमानों की स्थिति हो गई है कि प्रॉब्लम जो ब्राह्मणवाद मनुवाद माइंडसेट का है उसको हल नहीं करना चाहते लोग, और यहाँ मुसलमानों का ही ऑपरेशन करने में लग गए हैं जो है। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियों में कि तमाम इस तरह की जो डिबेट हैं वो क्या कहते हैं पीछे गई हैं। और मैं खास तौर पे कहूँगा जो सेकुलर जमात से भी मैं अपील करूँगा कि वो नाइंसाफी के सवाल को इस बात को ना देखें कि यहाँ पर पोलराइजेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, कमलाइजेशन होगा। मेन बात यह है कि इसका इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे कुछ बात मैं नाम लिए बगैर कहूँगा, कुछ नेताओं पर लोग आरोप लगाते हैं कि फला नेता बोल देता है तो ये भाजपा को फायदा हो जाता है। अरे भाई, किसी के राइट का सवाल है वो नहीं बोलेगा। अगर दलित नेता दलित की बात कर सकता है, ओबीसी नेता ओबीसी की बात कर सकता है, तो मुसलमान नेता मुसलमान की बात क्यों नहीं कर सकता है? और कहीं ना कहीं जो हमारी ये इस किताब का भी जो आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं इसी भावना के तहत ये कि अगर ये मामला आएगा कि जो है कि अक्षरधाम फेक था तो ऐसा था तो मोदी कहीं कहीं मोदी घिरेंगे, तो ये मोदी हिंदू मेंटेलिटी को पुष्ट करते हैं। भाई सच्चाई को जाना चाहिए ना समाज में, सच्चाई अगर डिबेट के रूप में आती है। और मैं ये नहीं बात कह रहा हूँ, ये बात जो कोर्ट जो अक्षरधाम के मामले में जब लोगों को सबको फांसी की सजा से बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसके लिए गुजरात के की सरकार को उन्होंने टिप्पणी किया, और उस समय गुजरात में कोई और नहीं था, नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे। अच्छा, ये जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर आपका क्या मत है? देखिए, खास तौर पे जातिगत जनगणना का जो पूरा सवाल है उसमें हम लोग लगातार जातिगत जनगणना कराओ अभियान लगातार चला रहे हैं, और हम लगातार मानते हैं इस बात पे कि जिसकी जितनी माने कि उसकी माने जिसकी जितनी संख्या हो और उसका उसमें जमीन पर भी हक हो। सिर्फ हम इसकी बात नहीं करते कि सिर्फ नौकरियों की बात करते हैं,
क्यों? क्योंकि आज की डेट में आप देख लीजिए कि आज की डेट में देख लीजिए कि इस देश में जो एक बिजनेस स्टैंडर्ड का आंकड़ा है कि 22% जो सबर्ड है, हिंदू सबर्ड है, उसके पास 41% जमीनें हैं और 35% जो कि ज़्यादा ओबीसी है, 35% जो ओबीसी मात्र उसके पास 31% ज़मीनें हैं और 27% जो दलित है उसके पास मात्र 11 पॉइंट कुछ ज़मीनें हैं। इसी तरह से जो मुस्लिम है उसके पास मात्र 8% ज़मीनें हैं। तो मामला है कि जातिगत जनगणना अगर होती है तो ये सवाल सारे आते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना कराओ क्या? यहाँ तो स्थिति है कि सवर्ण आरक्षण दिया जा रहा है और सवर्ण आरक्षण की पैरोकार जो सोशल जस्टिस के बहुजन के नाम पे जो राजनीति वो भी कर रही है और कांग्रेस भी उसका पैरोकारी कर रही है और सब पैरोकारी कर रहे हैं। जबकि अगर ओबीसी के रिजर्वेशन की बात आती है कि 27% से बढ़ा करके 54% 60% इनको दिया जाए, उनका हक दिया जाए, जिसकी मंडल कमीशन भी बात करता है, तो उसको नहीं दिया जाता है बल्कि कहा जाता है कि अगर इससे कहेंगे तो इससे क्या कहते हैं जो जो हमको जो कहा गया है इंदिरा साहनी वाले जजमेंट में कहा गया जो जब ओबीसी के रिजर्वेशन की बात आती है कि इसको हम ज़्यादा इसको बढ़ाएं तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इसका इसको तो कोर्ट ने इस पर रोक लगाई गई है। तो अब मामला है कि जब सवर्णों को 10% दे रहे हैं तो उसमें कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। तो मामला इस बात का है कि लगातार हमारे के यहाँ जातिगत जनगणना कराने का जो सवाल है इसको एक अहम सवाल है। मैं दूसरी तरफ मैं एक चीज और बात कहूँ कि जब हमने 30 पॉइंट रोस्टर को लेकर जब सवाल आया तो उसमें हम लोगों ने जो भारत बंद का कॉल था उसको लेकर हम लोग लड़े। सवर्ण आरक्षण के खिलाफ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बिहार समेत जगह जगह पर विभिन्न जिलों में प्रदर्शन हुए जो है। इसके अलावा जब दलितों में क्रिमिलियर की बात आई 2020 में उसके खिलाफ भी हम लोग खड़े हुए और हम लगातार अभी हम जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना अगर होती है तो एक बहुत बड़ा तबका खासतौर पर जो ओबीसी तबका है उसको उसके हक मिलेंगे। लेकिन देखिए जातिगत जनगणना का जो मामला है पिछली सरकारों में भी जिस तरह से उसमें टालमटोल किया गया, 2008 में जातिगत जनगणना की डिबेट आती है, 2011 में एसईसी के तहत होना शुरू होती है, उसके बाद होना जब शुरू होती है तो वो होते होते आ जाती है एनडीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट जब आती है तो जातिगत जनगणना पूरी होती है। जातिगत जनगणना जब पूरी होती है उसके बाद कहा जाता है कि जिस पंचवर्षीय योजना के लिए की गई थी वो पंचवर्षीय योजना ही खत्म हो गई है। उसके बाद जब सवाल होता है तो अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाती है। जब अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाती है जब राज्यसभा या लोकसभा में उस पर प्रश्न होता है तो कहा जाता है अरविंद पनगड़िया कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ाने चले गए। तो मतलब कि इतने अहम सवाल पे आज इस पर बातचीत नहीं होती है। हाँ, लेकिन जब उसी ओबीसी की बात होती है तो जो है बीजेपी जो है दो को छोड़ सबको जोड़ करके कहती है कि यादव और चमारों ने सबका हिस्सा खा गए और 19% यादव ने 33% नौकरियों पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब वही ओबीसी कहता है कि हम 27% हमको जो आरक्षण दिया गया है हमको पूरा अधिकार दे दीजिए तो कहा जाता नहीं 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 ये तो नहीं किया जा सकता है और यहाँ तक कि आप तो जो रिजर्वेशन है रिजर्व कैटेगरी है उसके ऊपर अगर वो सामान्य में कम्पीट करने पर भी उसको रोक लगा दी गई है लगभग। तो मामला है कि यहाँ तो 50% रिजर्वेशन सवर्णों को पूरा दे दिया गया है और खास तौर पे मेरा साफ तौर पे कहना है कि जातिगत जनगणना का पूरा अभियान हमको चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये आज के दौर में ये नारा का नेतृत्व और नौकरी तीनों का सवाल है। आज हमारे पास नारा भी नहीं बचा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हो उसकी जमीन पर हकदारी या उसकी उतनी हो भागीदारी, ये सवाल आज बोलने में जो ओबीसी समाज है वो भी हिचकता है। वह नेतृत्व का सवाल जो 27 साल का पूरा जो सामाजिक न्याय चाहे बिहार में चाहे यूपी में था उसके नेतृत्व में भी सवाल उठता है कि वो आखिर में जो मंडल कमीशन ने जो सिफारिशें की उनकी सिफारिशों को लागू करवाने की उसने क्या किया। अगर मंडल कमीशन की सिफारिशों को अगर माना जाता तो आज बड़े पैमाने पर जो पलायन होकर आया है उत्तर प्रदेश के लगभग 31 जिलों में 38 लाख मजदूर ऑफिशियल डाटा है, मेरा मानना है कि 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ मजदूर लगभग आया होगा। अगर और इतनी बड़ी संख्या में जो मजदूर आया उसकी दशा आप देखिए उसकी जातियां ये ओबीसी और दलित है। अगर मंडल कमीशन की सिफारिशों को माना जाता तो और उनकी जो जातियां हैं उनके हिसाब से अगर रोजगार दिया जाता तो क्या इतना बड़ा पलायन होता, उनको उनका उनका हिस्सा मिलता। और यहाँ नौकरी का सवाल, अब तो नौकरी का सवाल स्थिति हो गया कि स्थिति हो गई कि यहाँ पर तो 59,000 जो शिक्षक भर्ती है और यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में आरक्षण घोटाला होने लगा है।
मतलब कि जो आपको 27% रिजर्वेशन मिला था अब वो भी नहीं दिया जा रहा है और लगातार उसमें भी आपको जो है उसको उससे काटा जा रहा है और उसके लिए लगातार हमारे भाई लोग जो है लगभग 150 से अधिक दिनों से धरने पे बैठे हैं, कोई उनकी पूछ नहीं हो रही है। तो हमें लगता है कि जातिगत जनगणना एक 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 बड़ा सवाल है और मेरा मानना है कि जो मुसलमानों को कहा जाता है कि इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इस देश में मुसलमानों से बढ़ करके ओबीसी समाज दोयम दर्जे का नागरिक है। मुसलमानों को तो कम से कम मालूम है ना कि उनकी कितनी संख्या है, वो कहाँ पर हैं, और लेकिन इस देश में जो ओबीसी समाज है उसको तो मालूम ही नहीं है कि उसकी कितनी संख्या है, उसका कितना हक है। आने वाले दिनों में आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले, जबकि आप रिहाई मंच के माध्यम से इतने सक्रिय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इसकी जरूरत क्यों आपको लगी कि चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, जो मौजूदा दौर में हमने लगातार जो देखा, लगातार जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियों में रिहाई मंच की शुरुआत हुई, रिहाई मंच जो सेकुलर राजनीति का फेलोअर था, रिहाई मंच की पैदाइश उस राजनीति के फेलोअर की वजह से हुई कि जो ये सब सवाल जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सवाल सोशल जस्टिस के सवाल थे और सोशल जस्टिस की पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में लगातार रही हैं, उनका सवाल उठाना का मामला था। आज इस देश में 3 बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो, चाहे नागरिकता आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, ये जो आंदोलन हुए हैं किसी पार्टी के बलबूते के सवाल नहीं था। 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद हुआ, उसके पहले कोई 2014 के बाद कल्पना ही नहीं कर सकता था कि कभी भारत बंद भी हो सकता है, इतना बड़ा लोग डर गए थे। लेकिन किसने तोड़ा ये बात? जो इंसाफ पसंद दलित वंचित तबका था, उसने तोड़ा और उसने कहा कि नहीं, अगर हमारे सवाल पे बात नहीं होगी तो हम भारत को बंद करेंगे। इसी तरह नागरिकता के सवाल पे जो है कहा कि जब अगर इस देश का दोबारा विभाजन होगा तो हम देश को बंद करेंगे, ठप करेंगे, लेकिन विभाजन को नहीं होने देंगे क्योंकि हम दूसरा विभाजन नहीं चाहते हैं। तीसरा किसान आंदोलन। तो जब देश की जो देश को चलाने वाले हैं वो जब बिक चुके हैं, तो ऐसे में जो जनता है वो आंदोलनों से जब सवालों को हल कर रही है। भाई अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीनों काले कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं तो किसके बल पे कर रहे हैं? ये जनता का जो आंदोलन था, पंजाब हरियाणा के जो किसानों का आंदोलन था, उसके बल पे उन्होंने उनके दबाव में आगे उन्होंने इस बात को कहा। तो आज सवाल इस बात का है कि हमको लगता है कि जो आंदोलन है और वही चुनाव कहते हैं वही चुनाव होगा, चुनाव ही आंदोलन होगा। क्योंकि जो फांसीवाद है, फांसीवाद किसी भी देश में कभी किसी पार्टी की बदौलत नहीं गया है। इसी देश में अंग्रेज जो है किसी पार्टी की बदौलत नहीं गए, उसमें कांग्रेस एक तहरीक थी, एक आजाद तमाम जो देश में भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर लेकर तमाम जो आंदोलन के गांधी जी से लेकर तमाम जो लोग थे उनके आंदोलनों के दबाव में ये गए हैं। तो ऐसे में हम मानते हैं कि जो आने वाले दौर में हम चुनाव को आंदोलन में तब्दील करेंगे और आंदोलन के जो एजेंडे होंगे, इसीलिए मेरा जो संकल्प पत्र है उसमें हमने इस बात को डाला है। लोग कहते हैं कि इनकाउंटर चुनाव में एजेंडा नहीं होगा, हमने कहा कि जब एनकाउंटर के नाम पर सरकारें जो है एक पूरे समाज को दबा कर रही हैं, कुचला रही हैं, उसमें यादवों पासियों चमार तमाम मुसलमान तबकों को घुटनों में से लेकर उनके सीनों को छलनी किया जा रहा है, तो वो जब जो छलनी सीने हैं क्या इंसाफ की अपनी मांग कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामला है, तो वो सवाल का हल कहाँ होगा? इस देश की सदन में हल होगा, इस देश की सदन में कि आपकी आपकी क्या पॉलिसी है, किस आधार पे आप क्या कहते हैं ये इनकाउंटर पॉलिसी लेके लाके खड़े किए हैं। तो चाहे वो इस देश में जो तमाम सवाल है, चाहे किसानों के सवाल है, मजदूरों के सवाल है, महिलाओं के सवाल है, वो नीतिगत सवाल है। और इस देश में आपने देखा, इस देश में पार्टियों से ज्यादा हमारे किसान नेता जब बोलते थे, किसान नेता ने किसानों के जो छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं वो भी संवैधानिक रूप से और कितना लॉजिकल रूप से बोलते हैं, तो मतलब कि लीडर तो वो होंगे। तो मैंने आने वाले चुनाव को हम आंदोलन में तब्दील करेंगे और ये आंदोलन ही तय करेगा कि ये फांसीवादी जो सत्ता है इसको हम गद्दी से हटाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभी आपने रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव से उत्तर प्रदेश में होने वाले बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर बात सुनी। हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।